सोचा कि मम्मी को कहीं बाहर लेके जाते हैं। और इस बार पापा को हमने ऐड कर लिया। वो गाइस जुगाड़ कर। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड पापा 2-3 दिन से आए हैं, सो मैंने तो कोई व्लॉग शूट किया ही नहीं था, लेकिन आज सोचा कि मम्मी को कहीं बाहर लेके जाते हैं, तो चलते हैं, आप सबको भी लेके जाते हैं। सेल खुला है। आजा फटाफट क्रॉस कर ले। मैं और मम्मी बाहर निकले और ये सब नाल। वाओ गर्मी गाइस, गर्मी बहुत ज्यादा है। मैं माइक लेके गई थी, ये वाला माइक मैंने मंगवाया था। सो पहली बार मैं माइक से ब्लॉग करता, हमारे पास बहुत ज़्यादा सामान था तो मुझे लगा माइक गिर जाएगा, सो मैंने निकाल के बैग में रख दिया। अभी हुआ क्या, मैं ब्लॉग करती थी ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ बोलने का ट्राई करती थी, फिर देखा कि हाँ यार माइक तो नहीं है। हर टाइम ना मेरा तो कोई ना कोई पोपट हो ही जाता है। बहुत कुछ लेके आए हैं, आपको आराम से दिखाती हूँ। केक बजने वाले और बहुत ज़्यादा भूख लगी है, सबसे पहले रोटी बनाते हैं, खाना खाते, फिर बाद में आप सबको दिखाती हूँ कि हम लोग क्या क्या लेके आए हैं। और वहाँ पे सेल होता है, अच्छा खासा मिल जाता है 20-30 रुपीज़ में भी, तो आप सबको दिखाती हूँ थोड़ी देर बाद। मैं आप सबको दिखाऊंगी कि हम लोग क्या क्या लेके आए हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये वाली दिखाऊंगी, ये वाली बैंगल, क्योंकि वो तो मम्मी ने ली है, लेकिन एक रिंग ली है जो कि बहुत प्यारी है। मैं आप सबको दिखाती हूँ, और ये बहुत प्यारी लग रही थी, मुझे बहुत ही अच्छी लगी, सो मैंने ये ले ली। और ये आप देख सकते हो, कितनी प्यारी लग रही है ना, मुझे बहुत अच्छी है। मम्मी की बैंगल जो कि मम्मी लोग पहनते हैं ना, एक एक वो वाली, मैं तो कभी पहनती नहीं हूँ, लेकिन मम्मी लोग ये वाली पहनते हैं ना, तो ये है। मैं पहनती हूँ, लेकिन कुछ फंक्शन हो ऐसा हो तो ही पहनती हूँ, बाकी घर पर ऐसे पहन नहीं पाती हूँ। और ये एक ये वाली रिंग मैंने ली है, आप देखो कितनी प्यारी लग रही है। पूरा ये देखो पोटला भर के मैं लेके आई हूँ, छन्नी ली है मम्मी ने। और गाइस ऐसे कोई बहुत स्पेशल आइटम नहीं दिखाई देने वाली आपको, क्योंकि मैं और मम्मी गए थे तो हम लोग के किचन के आइटम। और ये दो मैंने लिया है ये फ्राई करने के लिए, और इसके ना मतलब ऐसे बड़े बड़े होल है ना, तो तेल ज़्यादा तेल निकल जाता है, इसलिए मैंने ये वाला लिया है। और मेरे पास एक था लेकिन छोटा था, तो मैंने ये बड़ा वाला ले लिया। मैं और कमल फाइटिंग करेंगे इससे। मैंने ना ये चुट्टा बाबा बना दिया है, घर पे आके इतनी पसीना पसीना हो गया था, गर्मी भी इतनी लग रही थी, और मैं ना क्लीन दिखाई भी नहीं दे रही होगी शायद, क्योंकि लाइट्स इतनी आ नहीं रही। ये वाली ये ऑनलाइन बहुत चलती है ये क्लिप्स, और इसको ना हम वो कोई भी फूड पैकेट वगैरह खोला हुआ है तो उसमें हम इसको लगा के फिर ये इस तरीके से है कुछ, ये इस तरीके से है, और कोई भी फूड पैकेट हमने खुला हुआ हो तो फिर उसमें ऐसे लगा के फिर बंद कर देना है, तो उसमें क्या है ना वो जल्दी से ख़राब नहीं होते, चिप्स वगैरह ख़राब नहीं होते। और मेरे घर में ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि कमल चिप्स बहुत ज़्यादा खाते हैं और फिर खाने के बाद वो ऐसे ही छोड़ देते हैं पैकेट डिब्बे में, सो ये मेरे लिए बहुत काम की चीज़। ये लेके आई हूँ मैं ये बड़ा वाला, और ये तो मैं मेरी सासू मम के लिए लेके आई हूँ। उनको चाहिए था छोटा, इसके पास बड़े बड़े हैं टब, तो वो बोल रही थी कि छोटा वाला अगर हो तो लेके आ, फिर हम घर जाएंगे तब लेके जाएंगे। सो मम्मी आप वीडियो देख रही हो तो ये आपके लिए। बोलेगी वीडियो में ये वाला दिखा रही है। जस्ट किडिंग।
गाइस मैं और मम्मी सो के उठे और इतने में बाहर का एटमॉस्फेयर कितना ख़राब हो चुका है। ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, हो चुका है एटमॉस्फेयर और काले काले बादल भी आ गए। सूरज दादा भी हल्के हल्के से दिखाई दे रहे हैं और बादल गरज रहे लगे हैं अभी लगता है। और हाँ, मिट्टी की भीनी भीनी सी खुशबू भी आ रही है, मुझे लग रहा है शायद बारिश होने वाली है। और मैं इस तरीके से ब्लॉग बना रही हूँ अभी, मेरी विंडो के बाहर, मेरे हाथ को विंडो के बाहर मोबाइल करके फिर इस तरीके से मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। काले काले बादल भी हो रहे हैं और मिट्टी की एकदम भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है और बहुत प्यारा मौसम हो रहा है अभी, लगता है बारिश आने वाली है। पता नहीं चल रहा है कौन सा मौसम चल रहा है, क्या है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और ये देखो मेरी और कमल की पिक, वेडिंग वाली, मेरे मम्मी पापा ने गिफ्ट की थी। ये रखे हैं आम, सो ये आम रस बना रही हूँ। हे गाइस, सो दोपहर में चाय वाय नाश्ता वास्ता करके हम फ्री हो गए, फिर पापा भी घर पे आ गए थे और कमल भी आए हैं। और अभी हम जा रहे हैं, आप सबको लगता होगा कि बार बार हम कोर्ट क्यों जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे गणपतिपुरा, मतलब कोर्ट गणपतिपुरा एक ही है, वो नज़दीक है और गणपति भगवान के मंदिर में हम बार बार दर्शन करने जाते ही रहते हैं। सो हम जा रहे हैं और आप सबको भी लेके जा रहे हैं। एंड बाय द वे, पीछे है मेरे पापा जिनको आप नहीं मिले हैं, लेकिन ये रहे। मम्मी को तो आप मिले ही है, पापा मेरे पीछे है। तो यस, सो ब्लॉग में ना नए नए मेंबर ऐड होते जा रहे हैं और इस बार पापा को हमने ऐड कर लिया, देखो फॉर्मल वेयर में, क्योंकि उनको तो मैंने जैसे ही जॉब से आए ना वैसे ही हमने उठा लिया। शायद फाटक बंद है, ट्रेन आ रही है इसीलिए इतना जाम लगा हुआ है। बिन मौसम बारिश आने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है फार्मर्स के लिए। फाटक बंद नहीं था लेकिन एक ट्रक ना फंस गया था फाटक के बीचों बीच में और दूसरा ट्रक वाला जो था वो लोग हेल्प कर रहे थे, पुलिस एंड सब लोग हेल्प कर रहे थे। ये प्रॉब्लम थी फाटक तो। गाइस हम आरती के टाइम पे ही आ गए हैं। पेली जी फुदीना वाली छे ने आ, ये भी आपी दो अड़ी छो, ए सु भाव छे ना, ए सी आवड़िया ए सी। क्यों लागे पापा मंदिर सरस मैंने देवता बताई ऐसे ही यहाँ पे ये लोग ऐसे ही तेल में फ्राई करके ही देते हैं, इंस्टेंट बना के देते हैं और एकदम फ्रेश ये वेफर्स होती है। मैं जब भी ब्लॉग करती हूँ शाम हो जाती है, रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है और मुझे ना ऐसे गाड़ी की लाइट के भरोसे ना ब्लॉग करना। देखो गाइस जुगाड़ कर लिया मैंने, मेरे फोन से टॉर्च ऑन की है और मैं ब्लॉग बना रही हूँ। अभी रात हो चुकी और अच्छा हुआ 8 बजे मंदिर बंद हो जाता है, बिल्कुल आरती के टाइम पे ही पहुंच गए तो हमारा अच्छे से दर्शन भी। बड़े संडे यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है लेकिन मंडे टू फ्राइडे इतनी भीड़ नहीं होती है। यहाँ के वेफर्स बहुत ज्यादा फेमस है एंड वो लोग एकदम इंस्टेंट फ्रेश तल के ही देते है, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। लड्डू वो तो मेन है, मंदिर के लड्डू इतने टेस्टी, मतलब इतने अच्छे होते हैं एंड एकदम फ्रेश रहते हैं, कितने भी दिन हो फ्रेश रहते हैं। हमारे वहाँ से तो सब मंगवाते हैं, अरे लड्डू के पैकेट्स ले भी लिए हैं। जाएंगे घर एंड देखते हैं, अभी रास्ते में तो अंधेरा ही है सो कुछ दिखाने लायक तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी देखते हैं, लेट्स सी। और मम्मी पापा मेरे पीछे बैठे हैं
उनको भी मैं ऐसे टॉर्च के सहारे दिखा रही हूँ। मम्मी मेरी हाय कर रही है और टॉर्च के सहारे सबको दिखा रही है मेरे मोबाइल से। और ये है कमल। चलो गाइस अब मैं सीट बेल्ट पहन लेती हूँ।